चौड़ी छाती लंबी गिटी चौड़ी छाती चौड़ी छाती लंबी गिटी दोहरे गाथ का दुनिया के मानारा दिखे चौड़ा। हरियाणा वो जो इंडिया की देसी खान पान है ना, पुराने रीति रिवाज हैं जो हमारा हकीकत का इतिहास है, वो हरियाणा कि अच्छा खाओ पियो, कबड्डी खेलो, कुश्ती करो और लड़कियां घर पे काम करो। इज्जत मानते हैं लड़की को, क्योंकि लड़की पर्दे के अंदर रहनी चाहिए। लड़कियां खाली घर गृहस्थी के लिए, घर का काम करो, चाय पानी बनाओ, पशुओं की सेवा करो। ये क्या है जी, ये जो अखाड़ा है ना, ये होता है मर्द लोगों के लिए, इसमें लेट जाए कोई काम नहीं होता। जैसे ही मेरे सेंटर पर 2003 में सुमन कुंडू, कविता, सुनीता, साक्षी मलिक ये आए, तो लोगों ने काफ़ी मेरे को भी काफ़ी कहा कि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब लड़के हैं तो लड़कियों की क्या आवश्यकता है, आपको किसी मामले में ये फंसा देंगे। लड़कियों का ऐसा ही मामला होता है, आप सारी उम्र जेल में रहोगे। मेरा नाम सुमन कुंडू है, मैं एक रेसलर हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से लड़के भी रेसलिंग नहीं कर था कोई हमारे गांव में। सुबह शाम कहाँ जाती है भाई तू, कि कुश्ती करती हूँ। कुश्ती छोरी आगे भी कुश्ती हो आगरा। एक लड़की जिस दिन पैदा होती है घर में, ऐसे माथे पे तोड़ी ओहो लड़की होगी। जैसे लड़की होती है वो अलग होती है, लड़का होता अलग होता है। वो जब पैदा होते हैं तभी से उनमें ताकत का बहुत फर्क होता है। लड़का जब जन्म लेता है और लड़की भी लेती है साथ में, लेकिन उसमें उससे 10 गुना ज़्यादा पावर होती है, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं। अभी मैं गिलोड़ गांव स्कूल में गई हुई थी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ही रोल मॉडल के लिए वो बुलाते हैं मोटिवेट करने के लिए। तो मैंने पूछा भाई ऐसे लड़के लड़की साथ में बैठे थे, इतने भाई किसके हैं जो लड़कियों को रोक लगाते हैं कि नहीं जाना। एक लड़की ने हाथ उठाया, मैं बोल तेरा भाई यहीं पढ़ता है। बोले हाँ, प्लस टू में लड़की, 6th 7th में लड़का उठा। मैं बोली हाँ भाई क्या बोलता है ये, कि बोलता तू वो अच्छी मिल खा बनेगी, पढ़ी रहो अपना घर, 12वीं के बाद तेरी शादी कर देंगे, अपने घर करना जो करना जाके। मैं लड़के को बोली तेरे में भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है, तू कुछ करे, तू खुद अचीव कर नहीं सकता, मत तू बन जा मैरी कॉम बन जा, कल्पना चावला बन जा, तू तो कुछ कर, ये मिल्खा नहीं बन सकती। तो ये हालात है हमारे गाँव के बच्चों के भी। लड़की है ना वो कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पायलट बन जाओ, समाज में तो समाज की तरह रहना पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ पे कायदे कानून होने के हिसाब से रहना पड़ता है सबको। अब साक्षी मलिक और पीवी सिंधु मेडल लेके आए ओलंपिक में, अगर अपनी लड़कियों को निकाले तो आगे हमारी 20 लड़कियाँ होंगी ओलंपिक में। इतनी डेडिकेटेड पंचुअल होती हैं लड़कियाँ, लड़कों से ज़्यादा सिंसियर होती हैं। अगर उनको मौका मिले तो वो लड़कों से जो ये बोलते हैं हम मर्द, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, मर्द की ये जगह है, उसको बिल्कुल ये दिखा सकती है लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, बहुत कैपेसिटी है लड़कियों में। अरे बदलना तो चाहिए, लेकिन बदलते तो नहीं है।